स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं अफ्ताब और आप देख रहे हैं मैकटेक लर्निंग, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी लर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अपने डेली लाइफ में हम बहुत ऐसे चीजों को देखते हैं, उसको यूज भी करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो सेलिंग फैन होता है वो इंडिया में उसमें 3 ब्लेड ही क्यों यूज होते हैं, कनाडा, यूएसए और जैसे यूएस कंट्री हो गया, इसमें 4-5 ब्लेड यूज होते हैं। देखिए, हम लोग डेली अपने मुंडी उठा करके ऐसे सोते हैं और देखते हैं कि भाई जो हमारा फैन है उसमें 3 ही ब्लेड है, लेकिन हम लोग को यही नहीं पता चलता है कि भाई थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाए कि इसमें 3 ब्लेड ही क्यों यूज हुआ है। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है। मैं इस चैनल इसलिए बनाया हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे आप कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे जो इस वीडियो को जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो होता है 3 ही ब्लेड वाले फैन क्यों यूज होते हैं, और जैसे यूनाइटेड कंट्रियों में जो होते हैं 4-5 ब्लेड वाले फैन क्यों यूज होते हैं। देखिए दोस्तों, ये समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ब्लेड का कंसेप्ट क्या होता है, यानी 3-5 ब्लेड का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, ह्यूमन जो होता है यूजुअली ये सोचता है कि अगर नंबर ऑफ ब्लेड जिस फैन में ज्यादा होंगे, उस फैन जो होगा वो एयर का जो फ्लो होगा यानी हमारे बॉडी पे वो ज्यादा प्रेशर में फेंकेगा, यानी हवा जो होगा हमारे बॉडी पे ज्यादा फेंकेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि ऐसा होता है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जो उस फैन का आरपीएम जो होगा कम होगा इस कंपेयर टू 2 और 3 ब्लेड वाले फैन से। दोस्तों, आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी जैसे आप ये देखते हैं, ये देखिए ये फैन जो है ये कितने स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी जो ये फैन है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, उसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में 3 ब्लेड ही क्यों यूज होता है। देखिए, इंडिया जो होता है एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ उस फैन का यूज किया जाएगा जिससे कि मतलब ज्यादा अमाउंट में वो एयर का फ्लो करे हमारे बॉडीज पे। तो 3 ब्लेड वाले फैन जो होता है ये जो होते हैं इनको 1 ब्लेड को जो होता है 120 डिग्री पे उसको एंगल के उसको टर्न करके उसको डिजाइनिंग किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है नॉइज साउंड एक कम करते हैं, प्लस इनमें जो होता है इसका जो आरपीएम ज्यादा होता है, और देखिए इसमें जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है 4 और 5 ब्लेड वाले फैंस के मुकाबले। ठीक है ना, देखिए ये जो 3 फैन वाले जो ब्लेड होते हैं जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं, दोस्तों ये जो होते हैं ये हमारे बॉडी पे एक मतलब ऐसे बोले एक बंडल एक हवा फेंकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे अगर क्या होगा, अगर 4-5 ब्लेड रहेगा तो वो हवा का जो होगा चुप करेगा, यानी हवा को काट काट करके आपके बॉडी पे फेंकेगा, समझ रहे हैं ना, हवा को काट काट करके, जैसे बोलते हैं ना सब्जी चुप करना है, तो हवा के काट काट करके आपके बॉडी पे फेंकेगा, और ये जो होते हैं बंडल के बंडल आपके बॉडी पे फेंकेंगे, तो उसके कंपेरिजन में इनसे जो होगा वो थोड़ा सा मतलब हमें रिलीफ मिलेगा, हमें ठंडी थोड़ा सा मिलेगा। और आपको ये बता देता हूं कि जो फैन होते हैं ना ये फैन हवा को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये फैन हवा को सर्कुलेट करता है, हवा को सर्कुलेट करेगा और हमारे बॉडीज पे बंडल का बंडल फेंकेगा जिससे कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आइए थोड़ा सा मतलब हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे हमारे पास एक इंसुलेटेड रूम है, वो पूरे तरीके से इंसुलेटेड उसको बोलते हैं जिसमें ना अंदर का हीट बाहर जाए ना बाहर का हीट अंदर आए। अब इस रूम में हम लोग क्या करते हैं कि अपने फैन को हम लोग चला देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो होगा ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट तो होगा। जैसे कि आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, जो एनर्जी होता है वो एक दूसरे में पूरे तरीके से कन्वर्टेबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे ये होगा कि हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे जाकर हमें मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 रीजन होगा रूम गर्म होने का, एक तो होगा कि जो हमारा फैन का जो कोयल होगा उससे जो होगा हीट लिबरेट करेगा, दूसरा रीजन ये होगा कि जब हमारा फैन मूव करेगा तो जो रूम का जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में टकराएंगे। आप लोगों को पता होगा कि जब 2 सब्सटेंस का जब कोलिजन होता है तो वहां से हीट जनरेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा तो हाथ है, इसको अगर मैं ऐसे रगड़ता हूं
तो यहाँ से हीट जनरेट होगा। तो इसी तरह जब फैन चलेगा तो वो मॉलिक्यूल टकराएंगे, टकराने के बाद से उनमें हीट जनरेट होगा और हमें जो होगा गर्मी महसूस होगा। तो आप लोगों से मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी फैन चलाएं तो आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग पूरे तरीके से अपने रूम को क्लोज कर दें, थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब एक विंडो हो गया या फिर दरवाजे को आप लोग खोल करके रखें, ताकि जो एनर्जी जो होगा वो हीट नहीं होगा, उसमें का जो हवा होगा वो गर्म नहीं हो। देखिए अब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड कंट्री का। यूनाइटेड कंट्री में जो प्राइमरी सोर्स होता है गर्मी का वो उनके पास होता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जैसे वो अपने घर में लगा देते हैं और अपने घर में वो 4 से 5 ब्लेड वाले फैन को यूज करते हैं। तो 4 से 5 ब्लेड वाले फैन जो उनके घरों में होता है वो आप लोगों से इसके पहले भी मैंने बताया कि जो फैन होता है वो एयर को सर्कुलेट करता है। तो उनका जो होता है वो एयर को सर्कुलेट करेगा, उनका फैन जो होगा एयर को सर्कुलेट करेगा। और वहां पे उन लोग क्या करते हैं कि मतलब अपने जो फैन होता है ना उसमें लाइट भी लगा देते हैं, क्योंकि वो जो फैन होगा उसका आरपीएम कम होगा और वो इजीली लाइट के साथ में मूव करेगा, मतलब देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है डेकोरेशन की तरह। तो बस यही रीजन था कि यूनाइटेड कंट्री वाले क्यों अपने घरों में जो होता है 4 से 5 ब्लेड वाले फैन को यूज करते हैं। और उनके पास ये भी होता है कि उनके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारे पास तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाने चाहिए होता है। तो बस यही रहा वीडियोस आपका, ठीक है ना। इसमें मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने जो गलतियां भी की है मतलब थोड़ा सा बोलने में, तो प्लीज आप लोग, लेकिन जो नॉलेज है वो आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट दिया हूँ, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सब किसी को एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिल सके। और आप लोगों को कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसी तरह मैं डेली इस चैनल पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते रहता हूँ एक ना एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और बहुत मजा आने वाला है इस चैनल में आप लोगों को। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।